हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल लविश पर। तो दोस्तों, बात करें अगर हम सैमसंग की एम सीरीज के अंदर आने वाले दो नए स्मार्टफोन्स की, सैमसंग गैलेक्सी M13 4G स्मार्टफोन एंड सैमसंग गैलेक्सी M13 5G स्मार्टफोन, तो जो ये दोनों स्मार्टफोन्स हैं वो यहाँ पे 14th ऑफ जुलाई को इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। 23rd ऑफ जुलाई को अमेजोन के ऊपर फर्स्ट सेल होने वाली है इन स्मार्टफोन्स की, प्राइम डे सेल के अंदर, जिनके अंदर आपको काफी अच्छे इंट्रोडक्टरी ऑफर्स भी मिल सकते हैं। और यहाँ पे बात करें अगर हम इन स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशंस की, प्राइस की, कलर ऑप्शंस की, वेरिएंट्स की, तो वो क्या होने वाले हैं वही बताने में आ गए हूं आपको आज की इसी वीडियो के अंदर। तो जो भी यहां पे सैमसंग की एम सीरीज के बड़े फैंस हैं तो वो ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, हो सकता है कि आपको काफी हेल्पफुल रहे फ्यूचर के अंदर। यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी वीडियोस को प्यार भी जरूर दीजिएगा, काफी मेहनत लगती है रिसर्च करने में आपके लिए, यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस लाने में लॉन्च से पहले। तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है जब आप हमें सपोर्ट करते हो, लाइक शेयर करना वीडियो को और यहाँ पे सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना। तो आज की इसी वीडियो को हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बॉक्स कंटेंट्स की बात करेंगे। यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर मेन फोन देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक टाइप सी टू टाइप ए केबल होगी, क्विक स्टार्ट गाइड होगी और यहाँ पे सिम इजेक्टर पिन होगी। बेसिकली यहाँ पे जो अडैप्टर होता है वो आपको बॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिलने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली तो यही चांसेस है। और अगर बात करें फिजिकल ओवरव्यू की, तो आपको दोनों फोन्स के अंदर राइट साइड पे पावर ऑफ एंड ऑन बटन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। उसी की टिप ऊपर आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलेगा और ऊपर के साइड आपको सेकेंडरी माइक मिलेगा। लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिलेगी ट्रिपल कार्ड सिम स्लॉट के साथ में, जिसके अंदर आप दो सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, तो वो अच्छी बात है। नीचे की साइड आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिलने वाला है दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर, तो वो यहाँ पे अच्छी बात है। और यहाँ पे स्पीकर ग्रिल होगी और यहाँ पे प्राइमरी माइक होगा। तो ये बात हो जाती है फिजिकल ओवरव्यू की। और अगर बात करें डिजाइन की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको पीछे की साइड प्लास्टिक बॉडी मिलेगी पॉलीकार्बोनेट फिनिश के साथ में। पीछे की साइड आपको M13 4G स्मार्टफोन के अंदर ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप मिलेगा और M13 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको ड्यूल लेयर कैमरा सेटअप मिलेगा, LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी। और आगे की साइड आपको इन्फिनिटी वी डिस्प्ले देखने को मिलेगी सैमसंग की, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बेसिकली वी शेप वाली जो नोच होती है वो आपको देखने को मिलेगी बड़ी सी, बेजल्स भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे और चीनी यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी मोटी देखने को मिलेगी। एज यूजुअल जो इस प्राइस रेंज के अंदर सैमसंग के स्मार्टफोन्स होते हैं उनके अंदर आपको यही साइज की चीन देखने को मिलती है। और अगर बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M13 4G स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में। मोस्ट प्रोबेबली आपको 60Hz का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे M13 5G स्मार्टफोन की बात करें, तो यहाँ पे 6.5 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लगी कि आपको 5G फोन होने के बावजूद भी यहाँ पे HD प्लस रेजोल्यूशन दिया जा रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। फुल HD प्लस देना चाहिए था सैमसंग को। और यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी नहीं होगी आई थिंक M13 स्मार्टफोन के अंदर। और अगर बात करें दोनों फोन्स की ताकत की, तो यहाँ पे M13 4G स्मार्टफोन के अंदर आपको सैमसंग का खुद का Exynos 850 8 नैनोमीटर पे बेस्ड वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं कह सकता, बट यहाँ पे नॉर्मल डेली टास्किंग के लिए यहाँ पे अच्छा प्रोसेसर है। अगर आपने नॉर्मल कॉलिंग के लिए या थोड़ी बहुत गेमिंग भी करनी है तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे M13 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको Dimensity 700 चिपसेट मिलेगा, जो यहाँ पे 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है, अच्छी एफिशिएंसी निकाल के दे देगा और यहाँ पे गेमिंग भी कर सकते हो इसी प्रोसेसर के साथ में। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो ये बात हो जाती है डिस्प्ले और प्रोसेसर की। और अगर बात करें कैमरास की, तो यहाँ पे M13 4G स्मार्टफोन के अंदर आपको ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप मिल रहा है। पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे मेन कैमरा होगा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस होगा। आगे की साइड आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी M13 4G स्मार्टफोन के अंदर। और यहाँ पे बात करें M13 5G स्मार्टफोन की, तो उसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस मिलेगा। आगे की साइड आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। तो यहाँ पे कैमरा वाइज M13 5G स्मार्टफोन यहाँ पे डाउनग्रेड है,
तो ये बात हो जाती है देखने वाली। बैटरी की बात करें तो आपको M13 4G स्मार्टफोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी मिलेगी और M13 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। दोनों फोन यहाँ पे 15 वोल्ट को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये बात हो जाती है बैटरी कंपार्टमेंट की। बाकी ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, ऑलमोस्ट आपको सभी सेंसर्स मिल जाएंगे इसी फोन के अंदर। वाईफाई 6 देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें UI की तो आपको One UI 4.1 देखने को मिल सकता है Android 12 के साथ में, तो वो काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको ऑटो डाटा स्विचिंग का एक फीचर देखने को मिलेगा जो यहाँ पे Samsung का यूनिक फीचर है। यहाँ पे नो नेटवर्क एरिया के अंदर आप एक सिम से दूसरे सिम के अंदर डाटा को स्विच कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक रैम प्लस का फीचर देखने को मिलेगा। 5G वाले वेरियंट के अंदर आप जो 6GB रैम वाला वेरियंट होगा उसको आप 12GB रैम कर सकते हो। ये जो कुछ फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, 5G वाले वेरिएंट के अंदर आपको जो 5G बैंड्स हैं वो आपको 11 देखने को मिलेंगे, तो वो अच्छी बात है। तो ये बात हो जाती है दोस्तों इन्हीं दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशंस की। और अगर बात करें इन्हीं दोनों फोन्स की कलर ऑप्शंस की और प्राइसिंग और वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे आपको M13 4G स्मार्टफोन के अंदर आपको दो कलर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक ब्लैक सा कलर होगा, डार्क ब्लू सा कलर होगा, और एक यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर होगा। और यहाँ पे M13 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको तीन कलर देखने को मिल सकते हैं। ब्लू कलर होगा, लाइट ग्रीन कलर होगा, और एक यहाँ पे ब्राउन कलर होगा। और दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे आपको दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर, 4GB रैम 64GB स्टोरेज एंड 6GB रैम 128GB स्टोरेज। और अगर बेस वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे M13 4G स्मार्टफोन आपको 12,000 से 13,000 के प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलना चाहिए। और यहाँ पे 5G वाला वेरिएंट आपको 15,000 या 16,000 के रेंज के अंदर देखने को मिलना चाहिए। बाकी यहाँ पे 14th of July को पता लग ही जाएगा। बाकी आप बता सकते हो नीचे कमेंट करके आपकी क्या राय है इन दोनों स्मार्टफोन्स को लेके, क्या प्राइस हो सकती है। अगर मुझे आपका कमेंट अच्छा लगा तो मैं जरूर पिन करूंगा उसी कमेंट को और लाइक भी करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।